फर्स्ट एप्लीकेशन की थी यूनिट्स एंड डायमेंशन की, कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस क्या करता है, रिलेशन बनाता है अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें सपोज मैंने एग्जांपल लिया था कि एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मास एम को सर्कल में घुमा रहा है और स्ट्रिंग का रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है, और क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किसी भी स्टोन को गोल घुमाने में। वो जो फोर्स की वैल्यू है वो साइंटिस्ट हमें बताएगा, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो हमें बताएगा, जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड रेडियस, पर ये नहीं बताएगा कि वेलोसिटी रेज टू पावर क्या, रेडियस रेज टू पावर क्या, मास रेज टू पावर क्या। तो हम इमेजिन करेंगे रेज टू पावर ए बी एंड सी, क्लियर है। अब हम इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो हम इन्हें कंबाइन करेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वी एंड आर, और यहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट एम वी एंड आर, क्लियर है यहां तक। फिर क्योंकि अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है या कोई भी सही फॉर्मूला आपको बनाना है तो उसका लेफ्ट का और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू, मास का एम रेज टू पावर ए, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन रेज टू पावर बी, और रेडियस का लेंथ रेज टू पावर सी। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसे अगर ओपन करेंगे, ओपन करके हमारे पास क्या आएगा, एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर माइनस बी, एल की पावर सी। ओपन करेंगे तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी एंड टी की पावर माइनस बी। ऐसा किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। जब पावर्स कंपेयर करेंगे एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, तो m की पावर क्या है, 1 इज इक्वल टू a, l की पावर l के साथ तो 1 इज इक्वल टू b प्लस c, t की पावर t के साथ तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b, यहां से b कितना आ गया 2, a कितना आ गया 1, आप अगर b को यहां पुट करेंगे तो c कितना आ गया माइनस 1। इन a b c की वैल्यूज को उठा के m v r के ऊपर यहां पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f इज सम कांस्टेंट इनटू m रेज टू पावर ए कितने, 1, v रेज टू पावर 2, r रेज टू पावर माइनस 1, और फाइनली आपके पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। डिसएडवांटेज है इसकी, यूनिट्स एंड डायमेंशन में डायमेंशन लॉस की सबसे पहली डिसएडवांटेज है, ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, कांस्टेंट हमें नहीं पता लगता इसमें, पर हाँ रिलेशन पता लगता है एम की वी की आर की पावर्स क्या है, ये हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है लास्ट टाइम किया, तो आज हम एक घंटा अगला नेक्स्ट वन आवर इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो करें स्टार्ट इसकी प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपको एक असाइनमेंट मिली है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं ओपन कर रहा हूँ असाइनमेंट, आप यहाँ से देखना और मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूँगा। तो अभी जैसे सपोज जैसे ये असाइनमेंट है आपकी, राइट, सब्जेक्टिव शीट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की प्रैक्टिस से, एप्लीकेशन नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन है, लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया इंक्लूडिंग मी, तो मेरा आंसर नो, मुझे समझ में आया वो क्या कह रहा है, और वो साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक जो भी काम हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट पे
पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा, फिर कौन किस पे डिपेंडेंट है वो बताया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे हुआ क्या, हमें मतलब है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स अंडर द शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, समझ में आ रहा है, वो चाह रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूलाज को हम यूज करें। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर क्या, टाइम पीरियड टी, तो किसका फॉर्मूला बनाने को कह रहे हैं, कैपिटल टी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, तो यानी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। पहला ये पहली लाइन यहां पर ये लिखेंगे कि टाइम पीरियड जो है कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर, मीन डेंसिटी या डेंसिटी एक ही बात है रो, एंड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जी। अब ये तो पता नहीं पावर्स क्या हैं, तो इमेजिन कर लेंगे इनकी पावर्स क्या हैं, ए बी एंड सी। तो पहली लाइन आपको हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में समझ में ना आए यूनिट्स एंड डायमेंशन में, पर आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और हमें पता लग गया कौन किस पर डिपेंडेंट है, तो हमने क्या करना है, इनका रिलेशन बनाना है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आपको क्या कह रहा है, जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन क्या था, आर रेज टू पावर ए, डिपेंड्स अपॉन नेक्स्ट डेंसिटी, एंड लास्ट इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रेज टू पावर सी। तो क्लियर है यहां तक, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, कोई डाउट इसमें? अगर हम इन्हें कंबाइन कर लें तो टी प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, एंड जी रेज टू पावर सी, ये भी क्लियर है। फिर एक कॉन्स्टेंट लगेगा, टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू आर की पावर ए, रो रेज टू पावर बी, एंड जी रेज टू पावर सी, ये भी क्लियर है यहां तक। तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पुट करें, टाइम का क्या होता है, टी, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला इज टी, क्लियर है यहां तक, राइट? ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला इज टी, आर का मतलब रेडियस लेंथ रेज टू पावर ए, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इज व्हाट, एम एल माइनस थ्री रेज टू पावर बी। हो सकता है डायमेंशन फॉर्मूला आपको ना भी याद हो, ज्यादातर केस में आपको याद नहीं है, पर मेरे को काफी डायमेंशन फॉर्मूला याद है बाय प्रैक्टिस, मैंने याद नहीं किए, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम करते हैं तो बाय प्रैक्टिस याद हो जाते हैं। आपको भी एक या दो लेक्चर में अपने आप याद हो जाएंगे जब आप बार बार टेबल को रेफर करेंगे, जैसे वेलोसिटी को आपने 10 बार देख लिया, एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, आपको याद ही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये याद हो गया। और जैसे कैपिटल जी है, कैपिटल जी मेरे को याद नहीं है, तो मैं कैपिटल जी का क्या करूंगा, अब टेबल तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें क्या यूज होता है, कैपिटल जी। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन इन टू एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला लिखूंगा, कैपिटल जी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एल का स्क्वायर, मास का एम दूसरे मास का एम, मास से मास कैंसल, क्या आएगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, क्लियर है यहां तक? अब नहीं आ तो सॉल्व तो करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं। तो यहां से आप पुट करेंगे एम रेज टू पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, तो क्लियर है यहां तक? तो ये वाली जो ये जो हमने ये टर्म लिखी, ये तो देखो आपको याद फॉर्मूला या तो याद करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला या बनाएंगे, और तो कोई तरीका है ही नहीं, तो आप वो अपने आप प्रैक्टिस से देखेंगे क्या करना है आपको। तो ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें इसको ओपन करेंगे कैसे, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर वन इज इक्वल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री बी, एम की पावर माइनस सी, एल की पावर थ्री सी, टी की वैल्यू माइनस टू सी। क्या स्टेप क्लियर है, ओपन कर दिया पावर्स। नेक्स्ट स्टेप में एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर वन मस्ट बी इक्वल टू एम रेज टू पावर बी,
यहां से कितना माइनस सी एल रेस टू पावर ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी टी रेस टू पावर कितना सिर्फ माइनस टू सी। क्या स्टेप क्लियर है? तो अरेंज कर ली पावर सबने। अब कंपैरिजन होगा m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ, t की पावर t के साथ। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू b माइनस c, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 3c, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन t की पावर t के साथ, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 2c। तो देखो c तो डायरेक्टली आ ही गया, कितना माइनस हाफ, ठीक सी आ गया माइनस हाफ। अगर सी आ गया तो समझो यहां से क्या आ गया, बी आ गया। अगर सी आ गया बी आ गया तो समझो इस इक्वेशन से क्या आ गया, ए आ गया। अब ये जो इक्वेशन सॉल्विंग का काम है ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, इक्वेशन बनाना तो फिर भी सिखा दिया, इक्वेशन सॉल्विंग मैथ्स का काम है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, यही है ना चैप्टर मैथ्स में, ऐसा होता है तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको एबीसी निकालना होता है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है आपको, ये मेथड समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है, इसमें कोई डाउट है इसमें? तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया, समझ में आ रहा है? तो अब अगले क्वेश्चन कुछ आप अभी आप ट्राई करेंगे सारे के सारे। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये देखो, ये मैंने भी ट्राई की, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही करते हैं, मैंने आज ही ट्राई की। ये देखो एबीसी पूरी इक्वेशन लिख लिख के मैंने भी, आप अगर सोचे कि मैं मेरे को नहीं आता या मेरे को कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास भी, मैं भी वही जो आप करते हो, तीन इक्वेशन लिखता हूँ फिर सॉल्व करते 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 एबीसी निकालता हूँ। या आपको भी यही कुछ करना है जैसे आप करते आए हो। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था, मेरे पहले क्वेश्चन में यही था ना, टी इन तीनों के प्रोपोर्शनल है, मैंने कंबाइन किया कॉन्स्टेंट लगाया, फिर मैंने डायमेंशन फॉर्मूलाज को पुट किया, डायमेंशन फॉर्मूला के बाद मैंने पावर्स को सॉल्व किया, एडजस्ट किया एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ, कंपेयर करके ये तीन इक्वेशंस आ गई थी। अभी जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया वो यही क्वेश्चन था। तो तीन इक्वेशंस आई, इन तीन इक्वेशन में से यहां से सी सबसे पहले आ गया, सी को मैंने यहां पे पुट किया, ये देखो मैंने सॉल्व किया आपकी तरह, तो मैंने क्या निकाला, बी निकाला, सी आया बी आया। सी और बी को इक्वेशन नंबर टू में जब मैंने पुट किया तो ये देखो बी की वैल्यू सी की जगह सी की वैल्यू, तो सॉल्व करके क्या आया, ए आया। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि पहले आपको इक्वेशन बनानी है फिर ए बी सी के लिए आपको सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? पर मेथड समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करेंगे, आप खुद ट्राई करना एक बार। तो इन द एंड जब ए बी सी आएगा, इस ए बी सी को आपको यहां पे वापस पुट भी करना है। तो जब आप इस ए बी सी को यहां पुट करेंगे ए बी एंड सी, तो आपके पास आएगा ए जीरो है, बी माइनस हाफ है और सी माइनस हाफ है। तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो आर की पावर जीरो तो उठ जाएगा, वन हो गया, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट इंटू वन बाय अंडर रूट ऑफ रो इंटू जी इज द आंसर। तो बन गया ना फॉर्मूला। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या मेथड आपको फॉलो करना है। जो भी शीट्स हैं ये सब शेयर होंगी, काफ़ी लोगों को ईमेल आ चुकी होगी, आज हमने ईमेल की है सबको। तो जो ये शीट्स हैं गूगल ड्राइव शेयर की है, मैं अपनी गूगल ड्राइव भी खोलता हूँ, ये एज इट इज़ आपको शेयर आपको हो जाएगी। जिनको ईमेल्स नहीं आई कोई बात नहीं, आप मुझे अपना बस मुझे व्हाट्सएप पे लिख दें, प्लीज़ शेयर योर गूगल ड्राइव, मैं अपने और या ईमेल सेंड करें अपना, तो मैं गूगल ड्राइव शेयर करूंगा। तो ये पूरी शीट एज इट इज आपके पास आएगी। अगर कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है तीन इक्वेशन के बाद, पर फिर भी अगर आप अटक जाते हैं किसी स्टेप में, एटलीस्ट आपके पास रेफर करने के लिए शीट रहेगी। पॉइंट सबको समझ में आया क्या करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में? तो पहला क्वेश्चन तो मैंने किया, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर द वॉटर ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड, कौन सा गैस बबल क्या करना चाह रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या चाह रहा है। इसमें बस ये देखो कौन किस पे डिपेंडेंट है, तो कह रहे गैस बबल है जिसका जो टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल, पी रेस टू पावर ए, डी रेस टू पावर बी और ई रेस टू पावर सी, वेयर पी इज, पी क्या गिवन है इसमें, स्टैटिक प्रेशर। क्या फॉर्मूला है स्टैटिक प्रेशर का और डायनेमिक प्रेशर का,
जो प्रेशर का है, प्रेशर तो प्रेशर है, चाहे वो डायनेमिक है, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो प्रेशर है, कोई फर्क नहीं। तो जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आपने टेबल में प्रेशर का लिखा, वही स्टैटिक प्रेशर का सेम है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला पुट करेंगे, डी फॉर डेंसिटी पुट करेंगे, ई फॉर एनर्जी पुट करेंगे, एनर्जी का कोई भी एनर्जी पुट कर दें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी करें, चाहे काइनेटिक एनर्जी करें, चाहे वर्क डन करें, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पर पुट करें, फॉर्मूला बनाएं, इसका कॉन्स्टेंट लगा के डायमेंशन फॉर्मूला पुट करें, इक्वेशंस तक सॉल्व करके दिखाएं, करें स्टार्ट। कोई डाउट है तो पूछें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है क्या करना है? यस सर। ठीक, करें स्टार्ट। टेबल रेफर कर सकते हैं फॉर्मूलाज के लिए, टेबल रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बार देख लें फिर से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, मैंने ये बताया, आपने फर्स्ट लाइन को देखना नहीं है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी, टी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस रेज टू पावर ए। सेकेंड टर्म क्या? मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी रेज टू पावर बी। और लास्ट क्या? ग्रेविटेशन कांस्टेंट रेज टू पावर सी। तो क्या आपको ये तीन टर्म लिखनी आ गई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तीन टर्म सबको लिखनी आ गई। फिर आपने क्या करना है? इन्हें कंबाइन करना है। तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी। कर लिया कंबाइन।
फिर आपने क्या लगाना होता है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या लगता है यहाँ पर, कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट, क्लियर है? फिर आपने अपने टेबल को रेफर करना है, टेबल को रेफर करके टी अकेला है ना, एम है ना एल है, तो जब कुछ है ही नहीं तो रेज टू पावर क्या लिया जाएगा, जीरो। अब क्लियर है यहाँ तक? तो ये लिख दिया, आर का मतलब क्या होता है, मीटर्स, रेडियस मीटर, तो आर की जगह क्या आएगा, एल। डेंसिटी का मतलब टेबल चेक करो, एम एल माइनस थ्री, और कैपिटल जी का मतलब टेबल चेक करो, पुट कर दिया। अगला स्टेप क्लियर है? उसके बाद तो पावर्स कंबाइन करनी है, राइट? तो पहला स्टेप क्लियर है? ओके, अब पूछो डाउट अपने। हाँ एक मिनट, देखो सॉल्व कैसे करना है, देखो ये तो भी मैं अपना दिखाऊंगा सॉल्यूशन, आप जैसे ट्राई कर सकते हैं ट्राई करें। ए बी सी आ गया आंसर, एक गलत है, कुछ कुछ गलत है। हाँ पावर्स कैसे करनी है, देखो एम की पावर जीरो, एल की पावर, इक्वेशन तैयार हो गई, बस ये बताओ, सॉल्व को छोड़ दो एक मिनट, सॉल्व भी हो गई, ओके। कितने लोगों को इक्वेशन तैयार करने में प्रॉब्लम है? अच्छा चलो चेक करो, कंपेयर करो अपने स्टेप्स जो मैं करता हूँ, फिर आप एक बार मुझे बताना कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? देखो मैंने इसको ऐसे किया, साथ साथ चेक करो प्लीज़, क्या सबने पहला स्टेप ये किया, आगे देखो प्लीज़, क्या सबने ये स्टेप किया कि टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू P रेस टू पावर A, D की पावर B, E की पावर C। क्लियर है पहला स्टेप? प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट तक ये क्लियर है? दूसरा स्टेप भी क्लियर है सबको? ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, T फॉर टाइम पीरियड, सबने T पुट किया यहाँ पर, राइट? नेक्स्ट P फॉर प्रेशर, प्रेशर का अपना टेबल चेक करो, फोर्स बाय एरिया मैंने करवाया था, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या सबका, सबने ये पुट किया, राइट?
डी फॉर डेंसिटी, क्या सबने डेंसिटी का ये फॉर्मूला पुट किया? और लास्ट ई फॉर एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, टोटल हो, कोई एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टू टी माइनस टू। क्या सबने ये पुट किया? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक हो गया। रेस टू पावर ए बी सी, ये किया। अच्छा फिर से ओपन करें, तो यहां पर एन की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस टू ए, ये स्टेप भी क्लियर है। यहां से बी की एम की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री बी, ये भी क्लियर है। और यहां से एम की पावर सी, एल की पावर टू सी और टी की पावर माइनस टू सी, तो ये स्टेप सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां से सबको? क्लियर है पीछे तक? इधर यस कि नो? राइट ओके। अब एम वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एम और एम मल्टीप्लाई, इसकी पावर ऐड हो गई, क्या हो गया? एम एम और एम मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट स्टेप क्लियर। नेक्स्ट एल की पावर, एल की पावर और एल की पावर भी ऐड होगी, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी, ये सेकेंड स्टेप क्लियर सबको? राइट और फिर लास्ट टी और टी वाली पावर ऐड करो, माइनस टू ए माइनस टू सी, तो ये स्टेप सबको क्लियर है? यस कि नो? पीछे तक क्लियर है? याद है, क्लियर है सबको? अच्छा लास्ट स्टेप क्या है? पावर्स को कंपेयर करना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टी है, तो एम की पावर क्या ली जाएगी? जीरो। एल की पावर क्या ली जाएगी? जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? क्या स्टेप क्लियर है? तो इसमें m की पावर m के साथ, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एल की पावर l के साथ, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी। और t की पावर t के साथ, तो कितने लोगों को इन तीन इक्वेशन तक कोई डाउट है? और कितने लोगों की तीन इक्वेशन तैयार हो गई? ठीक है, यहां तक हो जाएगी तैयार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो वो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट वो अब मैथ की प्रॉब्लम है। देखो फिजिक्स तो खत्म हो गई, फिजिक्स ने सिखाया है कौन किसके प्रोपोर्शनल, खत्म हो गया। इसके बाद कोई टीचर आपको ये नहीं सिखा सकता एबीसी कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं एज अ टीचर खुद आपकी तरह ही तो सॉल्व करके आया हूं, मेरे पास कोई शॉर्टकट थोड़ी ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को आगे कैसे किया एक बार चेक करें, यहां तक कोई डाउट देख लो एक बार, तीन ही क्वेश्चन तक। ओके तीन ही क्वेश्चन क्लियर है? ओके अब इस इक्वेशन को मैंने ऐसे किया, यहां तक लिख लिया सबने, आगे चलें? ठीक है ओके। देखो तो इन तीन इक्वेशंस में मैंने सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को लिया, राइट। थर्ड इक्वेशन में से माइनस टू सी एक तरफ, टू ए को वन के साथ ले गया, तो ये टर्म क्लियर है। यहां से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली माइनस टू को इससे डिवाइड करके, तो पॉइंट समझ में आया। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा और c को एक तरफ रख के माइनस टू को इसके नीचे डिवाइड करके c निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फर्स्ट स्टेप में देख लो क्लियर है? कोई आप कहो कि सर ये कैसे पता लगता है? मेरा मन किया मैंने थर्ड इक्वेशन ले ली, किसी का मन करेगा वो सेकेंड इक्वेशन ले ले, किसी का मन करेगा वो फर्स्ट ले, वो कोई रूल नहीं है कोई भी, वो आपकी मर्जी, आप कौन सी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हो। मेरे पास जो मेरे को लगा मुझे आसान तरीका लगा, मैंने सी निकाल लिया, आपको लगता नहीं लंबा तरीका तो आप कोई और मेथड फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक क्लियर है सी। फिर मैंने क्या किया, इस सी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दिया, ये जो जो भी मैंने सी निकाला इसको मैंने यहां पुट कर दिया, मतलब सी मैंने इन टर्म्स ऑफ ए निकाला, तो मुझे ये पता लग गया कि जब c इन टर्म्स ऑफ a निकालूंगा c इलिमिनेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ a, तो मेरी नई इक्वेशन किस में बनेगी? a और b की फॉर्म में बनेगी सिर्फ। तो मैंने c को इलिमिनेट हटा दिया, अब मेरी इक्वेशन a और b की फॉर्म में बनेगी। तो ये देखो c की वैल्यू को यहां पे जो आपने पुट करना है, तो ये देखो मैंने यहां पुट किया हुआ है, ये देखो 0 का 0 आ रहा है, माइनस ए का माइनस ए आ रहा है, माइनस थ्री बी का थ्री बी आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, और इस पूरे c की जगह ये मैंने रिप्लेस कर दिया। ये स्टेप सबको क्लियर है? चेक करो प्लीज, कोई डाउट इसमें? पीछे क्लियर है? पीछे क्लियर है सबको? ठीक है। तो जब मैंने यहां पर पुट किया तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो जब मैंने यहां पर पुट किया 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो ये टर्म क्या बन गई? माइनस वन प्लस टू ए, क्योंकि टू से टू तो कट गया, तो आपके पास ये टर्म तैयार हो गई।
फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस वन माइनस टू ए, चेक करो ये बन गया। फिर मैंने ए वाली टर्म्स को ऐड किया, बी वाली टर्म को ऐसे लिखा और सिंप्लीफाई करके ये नई इक्वेशन तैयार हो गई। अब ये जो इक्वेशन है इसमें सी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सी को क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन किस में आई, ए और बी की फॉर्म में आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने तीन इक्वेशंस को लिया, सी को इन टर्म्स ऑफ ए लिखा, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व करके नई इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पीछे क्लियर है सबको, पीछे क्लियर है? हालांकि ये मेथड सबके अपने अपने ही रहेंगे, इसमें कोई कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप घर जाके इन स्टेप्स को रिवाइज करोगे वो यूजलेस एक्टिविटी है, आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा ए एंड बी। आप स्टेप तो नहीं याद कर लोगे मेरे कि ए और बी कैसे, इस क्वेश्चन में ए और बी ऐसे निकाला, अगले क्वेश्चन में कैसे निकाला, मुझे खुद नहीं पता कैसे निकलेगा, तो आपकी तरह ही ट्राई करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो ये इक्वेशन तैयार हो गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इक्वेशन नंबर वन ली, इक्वेशन नंबर वन से मैंने सी को एक तरफ रखा और ए और बी इस तरफ ले गया, तो सी की वैल्यू क्या आई, माइनस ए प्लस बी। ये स्टेप क्लियर है, सी को ए और बी की फॉर्म में निकाल लिया। अब मैंने इस इक्वेशन को यहां पुट कर दिया, ये जो सी की वैल्यू है, ये जो सी की वैल्यू मैंने निकाली, इस सी की वैल्यू को मैंने यहां पुट किया। वो क्यों, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को में से भी सी को इलिमिनेट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये देखो, वन का वन माइनस टू ए का माइनस टू ए, और सी की जगह ये देखो पूरी सी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये टर्म आ गई। इसे ओपन किया, टू ए प्लस टू बी, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, बी आ गया। ये देखो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया मेरे पास, बी आ गया, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम तीन में से एक वैल्यू तो आ गई। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो एलिमिनेशन सी तरीका और कोई तरीका है ही नहीं है बीसी सॉल्व करने का, राइट? बोलो कौन सा, ये वाला फिर से? तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन में से सी को क्या लिखा, माइनस ए प्लस बी लिखा, ठीक है यहां तक? मैंने इस सी की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, क्या पुट किया, माइनस ए प्लस बी। तो ये स्टेप क्लियर है, माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या बचा, टू इंटू ए प्लस बी, टू ए प्लस टू बी, यहां से करते ही कट गया, तो किसकी वैल्यू आ गई, टू बी इज इक्वल टू वन, तो बी कितना आ गया, वन बाई टू। क्या स्टेप क्लियर है, तो बी की वैल्यू आ गई वन बाई टू। अब आप एक चीज बताओ, मैंने ये इक्वेशन निकाली थी जिसमें क्या आ रहा है, ए और बी, और बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वन बाई टू। अगर मैं इस बी की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए आ गया, बी आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में जिसमें सी आ रहा है उसमें ए और बी पुट करके सी आ जाएगा। तो एक वैल्यू जब आ जाती है दूसरी तीसरी अपने आप आ जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आई यहां तक, ये स्टेप यहां तक क्लियर है? फिर ये स्टेप क्लियर है कि इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से, ये देखो, तो ये तो एक इक्वेशन आई गई थी, फिर उसके बाद सी की वैल्यू को पुट करके बी आ गया, इस बी को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, ये देखो, तो 3a का 3a, 3a, b की जगह क्या पुट किया, हाफ, तो हाफ प्लस वन इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। यहां से सॉल्व करके क्या आ गया मेरे पास, a आ गया। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, अब मेरे पास क्या आ चुका है, a आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया, मैं b आ गया और a आ गया, अब क्या निकालना है, c। तो मैंने c को किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, जैसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर वन में ए आ गया, बी आ गया, सी निकालना है ना, तो आप इक्वेशन नंबर वन में ए पुट करो, बी पुट करो, सी आएगा। करेक्शन है इसमें, वन बाय टू नहीं है, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, वन बाय थ्री आ रहा है, तो यहां पर सी की जगह वन बाय थ्री आएगा, दिस इज द आंसर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए बी सी कैसे सॉल्व होगा, कोई आपको ए बी सी सिखाएगा, नहीं, ए बी सी कोई नहीं सिखा सकता सॉल्व करना, वो आपको घर जाके कुछ होमवर्क दूंगा, आपको आज मैं सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व भी करेंगे, थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं ये, तो चलो फिर भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन था एबीसी के लिए, तो आप अभी के अभी सॉल्व करेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस, उसमें आप एबीसी अभी निकालेंगे और ट्राई करेंगे, पर आपको ये इक्वेशंस बनानी आ गई। इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है तो बात करो, इक्वेशंस क्लियर हैं? और इक्वेशन बनाना सिंपली किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशनल
फॉर्मूलाज पे। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद होंगे तो ही आप कर पाओगे, अगर आप नहीं याद कर पाए, एक भी गलत हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं। बोलो, आपको देखो जब कोई सब्जेक्टिव स्कूल का पेपर आएगा, फिर आपके स्कूल का पेपर में ना कोई टीचर के पास ये टाइम नहीं है कि वो आपको पूरे एक एक स्टेप चेक करेगा, कोई ऐसे चेकिंग नहीं करता। उसको एबीसी की वैल्यू मिल गई, डन। उसने क्या देखना आपने कैसे सॉल्व किया। आप अगर सीधा ओरली सॉल्व कर दोगे एबीसी तब भी उसको ओके, उसको तो एबीसी चेक करना है, बात खत्म। तो फिर से एक बार करते हैं, कोई नया क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अभी थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इन क्वेश्चन में, हमने 8-10 क्वेश्चन करने हैं ऐसे, तो अभी तो 2 हुए हैं, तो 8 क्वेश्चन और करने के बाद, एक जैसे क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, एक्सेप्ट कि सर एबीसी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, वो तो मैं आपकी क्या हेल्प करूँगा, वो तो आप मेरी हेल्प करोगे, एबीसी मैं आपसे पूछूंगा कैसे निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? सही, इतनी इसी कॉन्सेप्ट में डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आप, ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा और ठीक क्वेश्चन करते हैं जो आपसे अभी सॉल्व हो जाए। जैसे कि जैसे एग्जांपल है, ध्यान से देखना। एज्यूमिंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, हम क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ पहले करेंगे, एज्यूमिंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, चाहे मेरी कार की वेलोसिटी हो, आपकी कार की वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का भी क्या रहेगा, LT-1। क्लियर है यहां तक? तो क्या कह रहे हैं, इसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ऑफ वेरियस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू कैपिलरी ट्यूब, जिसमें मर्जी लिक्विड जाए हमें क्या लेना, क्रिटिकल वेलोसिटी वी ऑफ सी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ट्यूब। चलो कम से कम एक फैक्टर पता लगा, क्या रेडियस, तो रेस टू पावर क्या करेंगे, ए। क्या स्टेप क्लियर है पहला? दूसरा डेंसिटी रो, तो डेंसिटी की पावर क्या करेंगे, बी। कोई डाउट इसमें? तीसरा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, याद है मैंने लिखवाया था टेबल में कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको वैल्यू याद नहीं, मेरे को याद है ML-1 T-1, मैं 50 बार यूज कर चुका हूं, आप टेबल चेक करें। तो आप क्या करेंगे, ये लिखने के बाद क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू रेडियस रेस टू पावर ए, डेंसिटी रेस टू पावर बी, ईटा रेस टू पावर सी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? राइट, अब आप एक काम करें, अपना टेबल रेफर करें, उस टेबल में वेलोसिटी पुट करें LT-1, आर का मतलब लेंथ है, डेंसिटी का पुट करें, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पुट करें, एबीसी की इक्वेशन बनाएं और एबीसी की वैल्यू निकालें। चलो ट्राई करें, कोई डाउट है तो मुझसे पूछें।
हाँ जी, तो हुआ सॉल्व, एबीसी आ गया, जल्दी आ गया इस बार एबीसी। थोड़ा वो एक्चुअली दो क्वेश्चन थोड़े बड़े थे पहले वाले, बाकी छोटे, उल्टा हो गया, छोटे के बाद बड़ा नहीं है, फिर बड़े के बाद छोटे हैं। करो जरा सॉल्व, हो गया? ऑनलाइन वालों को हो रहा है? यस यस सर। ओके, चेक साथ साथ कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, क्या आप लोगों ने ये स्टेप लिखा, चेक करो प्लीज। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, और ईटा रेज टू पावर सी। क्लियर है? इन्हें कंबाइन किया, कंबाइन करते हुए प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगाया, कॉन्स्टेंट। क्या ये स्टेप सबका क्लियर है? पीछे तक चेक करो प्लीज, राइट? ओके, डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर देखो ध्यान से। मैंने आपको क्या कहा, क्रिटिकल वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। पहला स्टेप क्लियर है? रेडियस मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, एल रेज टू पावर ए। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अपना टेबल चेक करो, एम एल रेज टू पावर माइनस थ्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लास्ट है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, टेबल चेक करो, टेबल बनाना बहुत जरूरी था। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मेरे को याद है एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी वाला फॉर्मूला था, तो आप प्लीज उस टेबल को रेफर करें। और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्या ये स्टेप यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर ध्यान से ये देखो, एल की पावर मैंने इकट्ठा ही कर दिया, देखो कैसे। एम की पावर कितनी है, बी। एम की पावर क्या है, सी। तो सीधा लिखो एम की पावर बी प्लस सी, एक ही बार स्टेप, एक स्टेप बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर L की पावर कितनी, A। फिर L की पावर माइनस थ्री बी। एल की पावर कितनी, माइनस सी। ये भी क्लियर है? तो L की पावर्स कंबाइन कर दी, L की पावर A, L की पावर माइनस थ्री बी, L की पावर माइनस सी कंबाइन। फिर T की पावर कितनी है, माइनस सी। क्या यहां तक ये स्टेप सबको क्लियर है? डन, सही। कंपैरिजन करें, M की पावर M के साथ, L की L के साथ, T की T के साथ। तो M की पावर जीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन वन इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस थ्री बी, और थर्ड इक्वेशन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सी। क्या ये स्टेप क्लियर है? तीन इक्वेशनें यहां तक बनानी आ गई। इन तीन इक्वेशन में सबसे बड़ी बात, सी तो सीधा आ गया कितना, वन। चलो जब एक वैल्यू आती है, दो तो फटाफट आ जाती है। कैसे, सी वन है, सी को यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सी को यहां पुट करेंगे, बी आएगा। जब सी आ गया, बी आ गया, तो यहां से ए भी आ जाएगा। तो यही किया मैंने, तो यहां से C की वैल्यू, जो C है, C की वैल्यू ये देखो, C की वैल्यू कितनी लिख ली मैंने, 1। और मैंने इस इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी में C को पुट किया 1, तो क्या आ गया, B आ गया। फिर B भी आ गया, C भी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो A निकालने, B और C पुट किया, सॉल्व करके A आ गया, B आ गया, C आ गया। एंड में जो ये फॉर्मूला था, इसमें पुट करना पड़ेगा एबीसी, तो ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह वैल्यूज को पुट किया एबीसी, तो सॉल्व करके ये टर्म आ गई, जहां रेज टू पावर माइनस वन है उसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो वो टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सिंप्लीफिकेशन अपने हाथ में, यहां तक छोड़ दोगे तो भी चलेगा, यहां तक कर दोगे तो अच्छा लगता है, फॉर्मूला तैयार हो गया। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है?
कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है? ठीक, तो फॉर्मूलाज कैसे तैयार होती हैं समझ में आ रहा है? ठीक, प्रॉब्लम इस चैप्टर की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो मैथ्स की है, एबीसी आपके सामने ही है, तो इसको कैसे ठीक करना है? प्रैक्टिस, आज मैं आपको 10 या 15 क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, आप आराम से घर पे आराम से एबीसी क्वेश्चन बनाना, सॉल्व करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो बोलो, बिल्कुल, यहाँ पे एबीसी आ गया, आ गया एबीसी, एबीसी को यहाँ पुट करना होता है ना, तो आर की वैल्यू रेज टू पावर ए, ए कितने माइनस वन, डेंसिटी रेज टू पावर बी माइनस वन, ईटा रेज टू पावर सी प्लस वन, तो ये मैंने पुट किया, यहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो ये टर्म्स को अगर पॉजिटिव बनाना है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऐसे कर दो। ठीक है, तो करोगे एक और क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप ये करो, ये भी अच्छा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इसके अंदर बस एक ट्रिक है, ध्यान से मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर आप कर लेना सॉल्व। कैसे? क्वेश्चन है, एज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी न्यू, ये किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी न्यू बोलते हैं इसे, ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है, अप्लाइड फोर्स, तो पहली टर्म क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू पावर ए, पहला स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ रेज टू पावर बी। तीसरा, मास पर यूनिट लेंथ एम, अब देखो यहां कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है, मास का सिंबल एम होता है, मास जो है वो एम होता है, सबको पता है, उसने क्या चला कि मास एम, एम को मास लिखने की बजाय क्या उसने इसको प्रेजेंट किया, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस क्वेश्चन में एम का मतलब मास नहीं है, एम का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का डायमेंशन क्या होता है एम, लेंथ का क्या होता है एल, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल रेज टू पावर माइनस वन, कोई डाउट इसमें? ये ट्रिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग एम देखते ही एम पुट कर देंगे, लेकिन उसने क्या किया, मास पर यूनिट लेंथ लिया, तो हमें हर क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा एम का मतलब क्या है, मास है तो एम लगाएंगे, मास पर यूनिट लेंथ है तो एम अपॉन एल लगाएंगे, डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अब इसमें क्या बनेगा, ये तीन टर्म्स पर डिपेंडेंट है, ए बी सी कॉन्स्टेंट लगेगा, ये स्टेप भी सबको क्लियर है, और नेक्स्ट स्टेप चेक करें, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, फ्रीक्वेंसी का टी रेज टू पावर माइनस वन, चेक करो टेबल, टी की पावर माइनस वन, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू रेज टू पावर ए, लेंथ का क्या होता है, एल रेज टू पावर बी, मास नहीं है ये, मास पर यूनिट लेंथ है, अगर क्वेश्चन में ये मास होता तो यहां पर क्या पुट करते, सिर्फ एम, और अगर ये मास पर यूनिट लेंथ है तो एम एल माइनस वन रेज टू पावर सी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पीछे क्लियर है? राइट, तो अब इसमें कंबाइन करें, एम की पावर ए, एम की पावर सी, तो एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, टी की पावर माइनस टू ए, बस माइनस टू ए, तो क्या आपको यहां तक ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो आप एक काम करें, इन तीन इक्वेशन से एबीसी निकालें और अपने एक्चुअल फॉर्मूला में पुट करें और प्रूव करें जो प्रूव करना है, ट्राई करें। पे
किसकी पावर चेक करनी है? एल किस में? देखो एम की पावर ए, एम की पावर सी, ए प्लस सी, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर माइनस सी। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी। तो एल की पावर माइनस सी, एल की पावर बी, एल की पावर ए ऐड करोगे तो ऐसे, हाँ राइट। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ए बी सी निकाला आप लोगों ने और पुट की आंसर आया, आंसर आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिनका हो गया। इसका अगला क्वेश्चन करना है आपने, ए बी सी ट्राई करें। कितने लोगों का आ गया ए बी सी? आ रहा है, हाँ नेक्स्ट करो इसका। देखो ए और बी और सी में मेरे को लगता है ए तो बहुत ही क्लियर है, जब आप टी की पावर को टी से करोगे तो साफ पता लग रहा है ए तो आ ही गया, ठीक है। तो आप लोगों की तीन इक्वेशंस बनी, बनी तीन इक्वेशंस, क्या बनी? ये तीन बनी, क्यों? क्योंकि जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ए। तीन इक्वेशंस क्लियर हैं, ये बन गई। चेक करो इधर, यहां से ए की वैल्यू साफ कितनी? हाफ, हाफ आ गई, सीधा आ गया हाफ, ठीक। कोई डाउट इसमें? डाउट है? ये क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कंपेयर किया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये तीन इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन, जो आखिरी इक्वेशन है, माइनस माइनस कैंसिल, ए कितना आ गया? हाफ। ए अगर हाफ आ गया तो इस ए को यहां पुट कर देते हैं तो सी कितना आ जाएगा? माइनस हाफ। अब आपके पास ए आ गया, सी आ गया, आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लें ए और सी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की। क्लियर है यहां तक? तो आप इसमें ए को पुट करें, सी को पुट करें और सॉल्व करें, बी कितना आ रहा है? माइनस वन। क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पूछो, डाउट है? ठीक है यहां तक? ठीक, ए बी सी आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपको कुछ प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे? इन ए बी सी वैल्यूज को उठा के यहां पे पुट करेंगे, इन ए बी सी को लेंगे और यहां पुट करेंगे। तो जब यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट इन टू एफ रेज टू पावर ए, ए कितना है? हाफ। एल रेज टू पावर बी, बी कितना है? माइनस वन। और एम रेज टू पावर सी, सी कितना है? माइनस हाफ। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से एक और चीज देखेंगे, न्यू इज सम कांस्टेंट इनटू, ये ध्यान से देखना प्लीज, एल की पावर कितनी है? माइनस वन। और प्रूव में क्या चाहिए? एल डिनोमिनेटर में। एक काम क्यों नहीं करते, इसको एल को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो एल की पावर क्या हो जाएगी? वन। ये स्टेप क्लियर है? फिर एक काम करते हैं, फोर्स को तो ऐसी रहने देते हैं, मास को नीचे ले जाते हैं, मास को जब नीचे लेके जाएंगे तो माइनस हाफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस हाफ। ये भी क्लियर है? माइनस हाफ प्लस हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ एफ बाई एम। चेक करो, इसके बाद अगला स्टेप ये हो जाएगा, यही प्रूव करना है आंसर। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? कैसे प्रूव करना है? ए बी सी निकालना है, ए बी सी को यहां पुट कर देना है, पुट करके अपने आप आंसर आएगा। क्लियर है? आज के बाद अगर आपको टू प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाएं और कोई स्टूडेंट मुझे ये कहे, सर मैं ना डायमेंशन फॉर्मूला भूल गया था या ए बी सी में सॉल्व नहीं कर पाया इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ आया, तो अब मैं क्या बोलूँ स्टूडेंट के बारे में? प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो पता ही है एंड में क्या प्रूव करना है, तो वो तो हैंस प्रूफ तो लिखना ही होता है एंड में। तो आपने क्या करना है इसमें? आपको ये नहीं, हैंस प्रूफ तो एंड में करेंगे थोड़ी, अगर नहीं, अगर आपको ए बी सी में दिक्कत आ रही है तो ए बी सी तो वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रहे। देखो कैसे दे रहे, ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखें, आपके पास ये यहां तक तो आप लिख ही लेंगे, ध्यान आगे लिख लिया। आप मुझे ये बताएं, इस प्रूफ को देखते हुए एल की पावर क्या होगी? माइनस वन। यहीं से देखें, एल की पावर माइनस वन, तो पता तो लग ही रहा है बी कितना आने वाला है? माइनस वन, पता ही है बी माइनस वन। आगे देखें, एफ की पावर अंडर रूट, तो एफ की पावर क्या आने वाली है?
तो ए तो दे ही रहा है आपको हाफ है, और ऐसी m डिनोमिनेटर में है तो m की पावर हाफ डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या आनी चाहिए, माइनस। तो वो तो बेचारा आपको दे ही रहा है कि भाई मेरे से एबीसी ले लो, अगर आप भूल भाल भी गए एबीसी सॉल्व करना नहीं हो रही सॉल्व, कोई बात नहीं, एंड में कम से कम एबीसी तो लिख सकते हो, एबीसी लिख के हैंस प्रूफ तो कर ही सकते हो, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी आपको एबीसी वहीं से पता लग जाएंगे। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? हालांकि ये आपको उल्टा तरीका बता रहा हूँ, सीधा तरीका यही है। बोलो यार, अब ये टीचर के ऊपर है। नहीं, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, करते करते टाइम शॉर्ट रह गया या नहीं कर पा रहे, छोड़ने तो बेटर है यार, वहाँ से छोड़ ही रहे थे ना, फिर ए भी डायरेक्ट लिख देंगे आंसर, कम से कम टीचर नंबर तो दे ही देगा, मैंने ओरली कैलकुलेट कर लिया यार, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया जो आज मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, वो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो स्ट्रिंग घुमा रहा है, जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, रेडियस के, फिर आंसर आता था एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये वही क्वेश्चन है जहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसको करते हैं, हाँ इसको करते हैं, डेप्थ एक्स, देखो इसको करते हैं, द डेप्थ एक्स अप टू विच अ बुलेट पेनिट्रेट्स इन अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन, डेप्थ यानी कि एक्स डिपेंड्स अपॉन, क्या टर्म लिखी हुई है? कोफिशेंट ऑफ, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, और सिंबल क्या यूज किया हुआ है? ईटा, और ईटा किसका सिंबल होता है? कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो चालाकी हो गई ना, सिंबल है विस्कोसिटी का और टर्म क्या दे दी? इलास्टिसिटी। आपने सिंबल नहीं देखने, सिंबल देख के डिसाइड नहीं करना कि इलास्टिसिटी है या विस्कोसिटी है, आपने पूरा पढ़ना है कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब टेबल चेक करेंगे, इलास्टिसिटी क्या होता था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन चेक करेंगे, तो इलास्टिसिटी रेज टू पावर ए, एंड सेकंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी रेज टू पावर बी। शुरू करें, दोनों इसको कंबाइन करें, वैल्यूज टेबल से पुट करें, ए बी सी निकाल लें, जो भी ए और बी। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप कितने लोगों का सही है? एक्स प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू पावर ए और एक्स प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर बी, सबको क्लियर है यहां तक? कंबाइन किया यहां तक क्लियर है? प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लग जाता है, यहां इंपॉर्टेंट है एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एल, क्योंकि एक्स का मतलब मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, ईटा इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी आपको याद रखना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? प्रेशर वाला सेम ही तो होता है, कितना? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या है पॉइंट? क्लियर है? टेबल से वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेक करो, लिखवाया था एम एल टू टी माइनस टू रेस टू पावर बी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें थर्ड सी है ही नहीं, तो इसको जब पावर्स को इक्वेट करेंगे
तो एल के साथ तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो क्या आएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर भी 0। पावर्स कंबाइन करनी आ गई सबको, ये देखो एम की पावर क्या है, ए, एम की पावर क्या है, बी, मल्टीप्लाई करके एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर क्या है, माइनस ए, एल की पावर क्या है, 2b, तो 2b, ऐसी टी की पावर। इसमें तीन कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, दो इक्वेशन ही आंसर आएगा, कैसे, एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, दो इक्वेशन हैं, लगाओ अपना मैथ्स, दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की जरा वैल्यू निकाल लो और चेक करो, ए और बी ऐसा आ रहा है, चेक करो ए और बी आ रहा है, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे ए से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, चेक करो। इसमें तीन करोगे तो गड़बड़ करोगे, दो इक्वेशन ले लो बस पहली, क्योंकि दो तो वेरिएबल्स हैं, सी इसमें है ही नहीं, तो दो इक्वेशन ली मैंने, सिंपली इनको ऐड कर दिया, जब मैंने ने ऐड किया तो ए से ए तो हो गया कैंसल, तो 3b = 1, तो बी की वैल्यू आ गई, जब बी आ गया इस इक्वेशन पुट करके क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, तो बी भी आ गया और ए भी आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जब ए और बी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पुट करनी है, तो ए की जगह क्या पुट करेंगे, -1/3, और बी की जगह क्या पुट करेंगे, 1/3, चाहे तो आंसर यहीं तक छोड़ दो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स इज सम कांस्टेंट इन टू, ई को तो रहने दे ऊपर, ईटा को ले जाए नीचे, ये देखो, तो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इन टू, इसको लिख लें क्यूब रूट, ये देखो क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या होता है मैथ्स में, क्यूब रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें तो भी चलेगा, ऐसे छोड़ दें तो भी चलेगा, कोई मर्जी रिप्रेजेंटेशन कर ले, एक ही बात है, समझ में आया यहाँ तक, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इन क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर थर्ड इक्वेशन यूज करूँगा, थर्ड और सेकेंड, तो शायद अलग अलग आंसर आ सकता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है, इसमें सेम आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझे लगता है कि शायद अलग आना चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशंस ए और बी दे रही हैं, अगर मैं इक्वेशन चेंज करूंगा तो आंसर तो डिफर ही करेगा ना, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टू इक्वेशन के साथ ही आंसर आएगा, और मुझे ये भी लगता है इस क्वेश्चन के अंदर वो कहीं ना कहीं थर्ड फैक्टर भूल गया, क्योंकि तीन इक्वेशन बन जाएंगी दो दो ए बी के साथ, तो गड़बड़ हो सकती है, उसको सी थर्ड फैक्टर देना चाहिए था, रेस टू पावर सी वाला, तभी तो ए बी सी के साथ इक्वेशन सॉल्व होती हैं, ए बी के साथ दिक्कत आ सकती है, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक सबको क्लियर है कैसे करना है। अच्छा अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वो सिर्फ एक प्रूफ चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का, ऑफ अ बॉडी व्हेन रेज्ड बाय हाइट ऑफ एच। अब मुझे ये पता है कि मेरा फाइनल आंसर एनर्जी का क्या आने वाला है, एम जी एच, तो मुझे पता है मुझे क्या प्रूव करना है। वो कह रहे हैं नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला से प्रूव करो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो एक काम करते हैं, अब हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, अब साइंस क्या कहती है कि मुझे पता है जब मैं पत्थर उठाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ई इज प्रोपोर्शनल टू हाइट रेस टू पावर ए, मास रेस टू पावर बी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेस टू पावर सी। हालांकि मुझे पता है कि मेरा ए बी सी का आंसर क्या आएगा इसमें, 1, एबीसी तो मानी आएगा ना, क्योंकि एमजीएच तभी बनेगा जब पावर सारी की सारी क्या होगी, 1, पर मेरे को ये प्रूव करना है कि इसकी तीनों की पावर क्या है, 1। क्लियर है यहाँ तक, तो मैंने ये फैक्टर लिख लिए, इन्हें कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, टेबल चेक करो, एच का क्या होता है लेंथ, मास का क्या होता है एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करवाया था एल टी माइनस टू। क्लियर है यहाँ तक,
फिर पावर्स कंपेयर की, एल की एम की पावर तो सिंपली बी, एल की पावर ए, एल की पावर सी तो कितना आएगा, एल की पावर ए प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी। फिर इन्हें क्या किया, कंपेयर, कंपेयर करके ए बी सी के लिए सॉल्व किया। सॉल्व तो क्या ही कर रहे हैं, मैं तो ओरली बता सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, वन वन और वन। क्यों, क्योंकि जब मैं वन 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 करूंगा तभी तो एनर्जी क्या आएगी, एम जी एच। तो आप सॉल्व करके दिखाएंगे, अगर पेपर में आया आप सॉल्व करके दिखाएंगे, पर आपको मालूम है कि इसका आंसर वन 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 ही आएगा। अगर बाई चांस कोई और आंसर आया, समझ लेना आपका आंसर गलत है, एम जी एच ही तो आएगा। हाँ हाँ ऑर्डर चेंज कर लो, पहले M ले लो फिर G ले लो, H ले लो, आंसर सेम आएगा, तब भी वन 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 आएगा। हाँ तो एक कोई बात नहीं, वो रिस्पेक्टिव पावर सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजों की प्रैक्टिस चाहिए, एक तो डायमेंशन फॉर्मूला, अगर वो भूल गए फिर तो खत्म है क्वेश्चन, फिर तो वही सकता, और दूसरा सॉल्विंग इक्वेशंस। तो बस दो चीज़ें चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए, उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो तो कोई आप कहोगी मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा टेबल को और मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ, नहीं होगा। आप कहोगे चलो डायमेंशन फॉर्मूला याद हो गया, आगे तो आगे भी आप ही को करना है एबीसी के लिए, ठीक है। तो दो ही फेज हैं इसमें और तीसरी चीज़ है नहीं कोई भी। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, राइट? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड, होमवर्क है ये आपका, सिर्फ कैसे करना है हिंट दे रहा हूं, होमवर्क लिखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड वी डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नॉट विस्कोसिटी, ध्यान से पढ़ना है, इलास्टिसिटी। तो मैंने सिंबल ले लिया ईटा रेज टू पावर ए, वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, चेक करना पड़ेगा टेबल में, एंड डेंसिटी रेज टू पावर पी। तो इन्हें कंबाइन कर लेंगे आप, यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने टेबल को देखते हुए, इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना और फिर इक्वेशन बनाना ए और बी में, ए और बी को सॉल्व करना। होमवर्क लिखें प्लीज इसे, क्लियर है? हाँ, ये शीट आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, जिसको मेल नहीं आई मुझे व्हाट्सएप करेगा, प्लीज सेंड मी मेल। ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, चेक करना है कि कैसे करना है या आंसर क्या आएगा, आप इस शीट को रेफर कर सकते हो। सिंबल अगर नहीं दिया कोई भी डिफाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सिंबल इलास्टिसिटी का नहीं दिया जो मर्जी कर लो, बोलो ईटा रखना है ईटा कर लो, अल्फा करना है अल्फा कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? करोगे होमवर्क, इसे घर पे सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट है, क्या कैसे रिपीट है, एक क्वेश्चन किया था अभी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, मैंने पहले क्वेश्चन में फोर्स लिखा था, लोड या फोर्स, लोड का मतलब फोर्स होता है, यहां पर मैंने फोर्स की जगह क्या सिंबल लगा लिया, टेंशन, टी, टेंशन भी तो क्या होती है, फोर्स होती है, एक ही बात बताया था टेबल में, टेंशन का मतलब फोर्स। तो टेंशन रेज टू पावर बी एंड मास पर यूनिट लेंथ, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मास पर यूनिट लेंथ में यहां पर एम ना पुट करना, मास पर यूनिट, ये थोड़ा गलत किया मैंने इसमें यार, एम एल माइनस वन आएगा यहां पे, ये सही नहीं चला इसका मतलब, आप खुद करना, इसमें एम एल रेस टू पावर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो इसको मत रेफर करना प्लीज, या मैं करेक्शन करके डालूंगा शीट को। तो होमवर्क क्लियर है यहां तक? तो ये वही क्वेश्चन है जो आज हमने थोड़ी देर पहले टू प्रूव करने को कहा था ना मैंने, वन बाय एल अंडर रूट ऑफ एफ बाय एम, बस सेम आंसर आएगा, एफ की जगह टी ओके आएगा बस, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो रिपीट है ये क्वेश्चन, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, किसका रिपीट है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का रिपीट है जो अभी हमने किया, ये वाला आपका आंसर यही आएगा, एफ बाय एम की जगह टी बाय एम आएगा, एवरीथिंग इज सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये एज अ होमवर्क करना प्लीज, इसे भी एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो नेक्स्ट के अंदर भी आपने करना होमवर्क ही है, बस इसमें एक ही ट्रिक है जो आपने सुननी है, क्या? फाइंड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस एक्सप्रेशन फॉर व्हाट एनर्जी, कौन सी, कोई मर्जी एनर्जी ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा, एम एल टू टी माइनस टू।
एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन मास एम. अब यहां पर मास है तो डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर क्या पुट करेंगे, एम पुट करेंगे. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एफ, तो एफ की पावर क्या होगी, बी होगी. लास्ट क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड आर. ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, सुन लो, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम मान लो यहां से मीन से चलता है और वो लास्ट पोजीशन 10 सेंटीमीटर कवर करता है टू एंड फ्रो, तो यहां से चलता है 10 सेंटीमीटर, अगले राउंड में 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर करते करते रुक जाता है, ऐसे होता है पेंडुलम. तो वो मैक्सिमम दूरी कितनी कवर करता है, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट्स कम होती जाती हैं. तो फिजिक्स में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हो, मीटर्स में, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल. तो याद रखना एम्पलीट्यूड का मतलब डायमेंशनली क्या पुट करना है, एल, राइट. तो यहां पर इन्हें जब कंपेयर करेंगे या कंबाइन करेंगे तो एनर्जी का तो सेम एम एल टू टी माइनस टू, मास का मतलब एम, फ्रीक्वेंसी का मतलब टी की पावर माइनस वन और आर का मतलब लेंथ एल. फिर ए बी सी तो आपने बनाना है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है. तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी के इक्वेशन बनाएंगे, ए बी सी निकालेंगे, होमवर्क. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें मैं आपको कहाँ फंस सकते हैं बस वो बता रहा हूँ. कहीं आप क्वेश्चन छोड़ दें कि एम्पलीट्यूड हमने किया ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड का मतलब एल ही होता है, ये हिंट लिख लें इसमें. कोई डाउट इसमें, ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन करें अभी जिसमें ये वाला, इफ कॉम्पोजिट, क्वेश्चन नंबर थ्री में, इफ अ कॉम्पोजिट फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वो कह रहा है ये फॉर्मूला ले लो क्या, क्यू इज इक्वल टू आई एफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू एल का क्यूब. फॉर्मूला दे दिया, वेयर आई का मतलब मोमेंट ऑफ एनर्शिया, टेबल से चेक करो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एफ का मतलब फोर्स, टेबल से चेक करो फोर्स क्या है, वी का मतलब वेलोसिटी एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, डब्ल्यू का मतलब वर्क, चेक करो वर्क, एल का मतलब लेंथ, सारा पुट करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ क्यू किसके इक्वल आ रहा है, क्यू आना चाहिए एम टी माइनस टू, चेक करो एम टी माइनस टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, टेबल से सारी वैल्यूज को पुट करो और सॉल्व करके क्यू निकालो क्या आ रहा है. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में, ये देखो मैंने भी ट्राई किया कुछ करने की, तो मैंने ऐसा किया, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेबल चेक करो, मोमेंट इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर एम एल स्क्वायर, यही है ना. एफ का मतलब फोर्स, यही है फोर्स. वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा, टी की पावर माइनस टू भी आएगा. वर्क डन एम एल टू टी माइनस टू,
टेबल चेक करो और लेंथ का मतलब एल क्यूब, क्या ये पॉइंट क्लियर है पहले ये बताओ, चेक करो। पहला काम डायमेंशन फॉर्मूला सही पुट करना, अगर यही गलत पुट कर दिया तो आंसर कैसे आएगा बोलो, किस फॉर्मूले में डाउट है किसको, ये पॉइंट क्लियर है। टेबल बना पड़ा है आपके पास, सारी क्वांटिटीज मैंने बना के दिखा रखी है, टेबल से उठा के पुट करनी है बस, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। कोई डायमेंशन फॉर्मूला में कोई डाउट, राइट, क्लियर है। अब मैथ्स है, फिर खत्म हो गई मैथ्स है, इसको स्क्वेयर करो, एल स्क्वेयर टी की पावर माइनस टू, इसको अगर करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एम एल का स्क्वेयर इंटू एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू एल का स्क्वेयर, एल का स्क्वेयर टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एम एल टू टी माइनस टू इंटू एल थ्री, यार इसको क्रॉस करो ना, काटो इसे, ये देखो ये देखो ये भी गया, सॉल्व करो एल क्यूब भी गया, एक मिनट में आंसर आ गया एम टी माइनस टू, बचा ही नहीं, दूसरी बार भी हो गया। तो जिन्हों का एम टी माइनस टू नहीं आया उनकी कैलकुलेशन में कोई डाउट है या उनकी कैलकुलेशन सही नहीं हुई, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे करना है समझ में आ रहा है, इसको कैंसिल करने के बाद आंसर एम टी माइनस टू ही आएगा, राइट, कोई डाउट किसी को इसमें। तो आपको इस चैप्टर में ये तो पता लग ही गया सारी गेम किस पे है, डायमेंशनल फॉर्मूले पे, और आधी गेम मैथ्स पे, फिजिक्स वालों का काम है डायमेंशन फॉर्मूला बताना, मैथ्स वालों का काम है इसको सॉल्व करना। फिजिक्स में तो मैं फिर भी आपकी हेल्प कर दूंगा, पर मैं इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कैसे करूँ, वो तो आपको खुद घर जाके होमवर्क करना पड़ेगा, और जहाँ आप जो है ट्राई करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट। इस शीट का एक और क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़े प्लीज। देखो इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूं मैं क्या है, इस क्वेश्चन को करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक इसकी लिमिटेशन बताऊंगा, जो डायमेंशन फॉर्मूलाज है ना उनकी एक प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशन है इसको समझते हैं। पहली इसकी प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को देखते हुए ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यू वाला, जिसमें मैंने को ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे जिसमें क्यू की वैल्यू आई एम टी माइनस टू, उसने ये पूछ लिया बताओ ये क्वांटिटी क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं ये क्वांटिटी है सरफेस टेंशन टेबल को देखते हुए, कुछ कहते हैं सरफेस एनर्जी, कुछ कहते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट, चेक कर लो अपना टेबल, तीन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो प्रॉब्लम है इसकी। आप इस फॉर्मूले को देखते हुए ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये सरफेस टेंशन है या सरफेस एनर्जी है या फोर्स कांस्टेंट है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो पॉइंट समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप अपने मन से जो मर्जी लिखें ये क्या क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स का आंसर इसमें वेरी हो सकता है, ये पहली प्रॉब्लम है। इसकी एक और प्रॉब्लम है डायमेंशन एनालिसिस की, क्या आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये बता नहीं पाता, हर जगह आप क्या लिख रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या मालूम नहीं, तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं बता पाता, ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम सुनो, आपने जितने भी क्वेश्चन किए कि मान लो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम,
रेस टू पावर ए, रेस टू पावर बी, रेस टू पावर सी. कभी ऐसा क्वेश्चन देखा कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलेरेशन, डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिपेंड्स अपॉन लेट अस सपोज फोर्स, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी? नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो रेस टू पावर ए, रेस टू पावर बी, रेस टू पावर सी, रेस टू पावर डी, रेस टू पावर ई. अगर पांच क्वांटिटीज पे एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो उसकी पावर्स कितनी चलेंगी? पांच. और हम अपनी पावर्स कितनी रखते हैं? मैक्सिमम तीन. रेस टू पावर ए, रेस टू पावर बी, रेस टू पावर सी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस चार की पावर डी तक, ई तक, एफ तक सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, अपना आंसर गलत कर देगा. तो इसकी आखिरी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ मैक्सिमम तीन क्वांटिटीज को ही सॉल्व कर पाता है, इससे ऊपर सॉल्व नहीं कर पाता. ये इसकी प्रॉब्लम है. ठीक है, पेपर में कई बार लिखने को भी आता है इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं. मैं आपको लिख के दूंगा अगली शीट में क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप उसको बुकलेट के अंदर लिखा हुआ है तो आप वहीं से उसको पढ़ लेना. मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख के दूंगा मैं आपको. अब ये डिस्कशन मैं आप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो कह रहा है कोई नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है. नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, नंबर तो नंबर है. नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता. जो नंबर है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं. तो आर रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? वन. वो कह रहा है रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताता है? वेदर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप इज स्ट्रीमलाइंड. हमें क्या लेना यार, क्या बताता है? हमें तो ये देखना है ये किस पे डिपेंडेंट है. तो ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी. हाँ, ये समझ में आएगा. रेनॉल्ड्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी वी. तो आपने फटाफट क्या किया? आर डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रेस टू पावर ए. पहला स्टेप क्लियर है. नेक्स्ट, डेंसिटी रो रेस टू पावर बी. सेकंड स्टेप भी क्लियर है. थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. देखो सिंबल ईटा है इस बार, ये इलास्टिसिटी नहीं है, इस बार ये विस्कोसिटी है. तो ईटा रेस टू पावर सी. ये भी क्लियर है. फिर से सेंटेंस क्लोज कर दिया. मेरे को लगा ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीन फैक्टर आ गए. फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद उसने कहा रेनॉल्ड्स नंबर आर वेरीज डायरेक्टली. जब मैथ्स में बोलते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स और वाई की पावर्स क्या होती हैं? वन. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पावर क्या ली जाती है? वन. तो उसने एंड में बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट है, चौथा फैक्टर. लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि डायमेंशनल एनालिसिस चार फैक्टर संभाल नहीं सकता. लेकिन उसे साफ साफ कहा डायरेक्टली वेरीज एज अ डायमीटर. डायरेक्टली वेरीज का मतलब डी की पावर वो आपको लेने को नहीं कह रहा. डी तो पावर वो क्या कह रहा है? डायरेक्टली वेरीज का मतलब इसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वन. तो पॉइंट समझ में आया. वो जो चौथा फैक्टर दे रहा है उसकी पावर वो आपको साथ ही दे रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर क्या होगी? वन. तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? अदरवाइज अगर वो ये पावर ना देता तो ये क्वेश्चन फिर बन नहीं पाता, क्योंकि वो तीन क्वांटिटी तक ही चल पाएगा, चार के साथ चलेगा ही नहीं. तो इसलिए उसने तीन की तो पावर निकालने को बोल दिया, चौथी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की और उसकी पावर हमें ऑटोमेटिकली दे दी. तो क्या आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई यहाँ तक? बस ये इसका ट्रिक है. उसके बाद तो कंबाइन कर लो. कंबाइन में क्या होगा? एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी और चौथी क्वांटिटी की पावर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑलरेडी पता है कितनी? वन. हमें निकालनी नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? ए, बी और सी निकालना है. कोई डाउट इसमें? तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ नंबर, नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वन. तो यहां पर क्या पुट करेंगे? वन. वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन, डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री, ईटा का मतलब विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी क्या होती है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेस टू पावर सी. डायमीटर किस में मेजर करते हो? यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर. और मीटर का मतलब क्या होगा? डायमेंशन एल. तो डायमीटर की जगह एल रेस टू पावर वन. ये स्टेप क्लियर है. इसके बाद कुछ नहीं करना. तो इसके बाद पावर्स कंबाइन करेंगे, इक्वेशन बनेंगी, ए बी सी आपने सॉल्व करना है. बस आप यहां तक नोट कर लें, उसके बाद आप प्लीज अपना होमवर्क करेंगे. इसे एज अ होमवर्क लिखें. ए बी सी सॉल्व करने वाला काम आप एज अ होमवर्क लेंगे. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? तो एज अ हिंट लिखें इसे और फिर ए बी सी आराम से सॉल्व करें और वेरीफाई करेंगे आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, डाउट है इसमें? बोलो.
बोल दो, ये से बोल दो, ये तीन फैक्टर क्लियर है? आप मेरे सोल्यूशन पे मत जाएं, मैंने ऊपर चेक नहीं किया, सच बताऊं मैंने अपना सोल्यूशन निकाला था, आप प्लीज़ अपना घर से सॉल्व करें। वो कह रही है कि सी की वैल्यू 1 है या सी माइनस 1 आया है, मुझे पता नहीं मेरा सही है गलत है, मैं भी चेक कर लूँगा, आप अपनी कैलकुलेशन खुद ही करना। आपने इक्वेशन नोट कर ली, आप खुद एक बार चेक करना, राइट, इसके मत जाना, अपना आंसर खुद निकालना, ये सही है वो गलत है। ओके, यहाँ करेक्शन कर लो प्लीज़, वो सही होगा, वैसे ज़्यादातर प्रॉबिलिटी सही होने की ज़्यादा है, मैं सॉल्व ही करके लाया हूँ, मैंने देखा भी नहीं एक्चुअली ऊपर, तो C की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन ही होती होगी, राइट। तो आपको एप्लीकेशन नंबर 1 समझ में आई, क्या एप्लीकेशन नंबर 1 है, कैसे काम करना है एप्लीकेशन नंबर 1 में? सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? डायमेंशनल। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला एक भी गलत हो गया ना आपका, समझो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होता। और कमाल की बात, आपका जो पहला पेपर होगा स्कूल में, उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है, 3 नंबर का पक्का, एक तो एप्लीकेशन आनी ही है, और आपके कंपटीशन के अंदर भी एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस पक्का आएगा। फ्री के क्वेश्चन है क्या? आसान मुश्किल चैप्टर है ही नहीं, क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ही तो है। तो फॉर्मूला पुट करके एक क्वेश्चन ठीक होता है, 2 साल में 30 क्वेश्चन आने हैं, उसमें एक ठीक होता है तो और क्या चाहिए, एक तो पहले ठीक, एक एरर का आना है, एक यूनिट्स का आना है, 2 तो अभी हो गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 1 तो चलो एज अ होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया, अब आपने क्या करना है, आपको आइडिया पता लग गया, आपको अब क्या सीखनी है एप्लीकेशन नंबर 2। अब आप ये सोच रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर 1 में इतना टाइम लगा तो एप्लीकेशन 2 में यही टाइम लगेगा, नहीं, एप्लीकेशन नंबर 2 हार्डली 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, बस इससे ऊपर है ही नहीं, और शायद 3 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, बस इतनी की है। तो अब जो बचा हुआ टाइम है एप्लीकेशन नंबर 2 पे काम करते हैं, तो लिखें एप्लीकेशन नंबर 2 लिखें प्लीज, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा, कोई भी एक रिलेशन है उसको चेक करके बताएगा वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको किसी भी क्वेश्चन में एक इक्वेशन देगा, जैसे इक्वेशन क्या दी, s इज इक्वल टू vt, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसके अंदर s का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है, l, तो लेफ्ट हैंड साइड एल है, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1, और टाइम का क्या है, टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर क्या हो जाएगी, 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ एल। आप चेक करें लेफ्ट का और राइट टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आ गया, सेम, राइट। तो ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, बस ये काम करना है, करेक्टनेस चेक करनी है, लेफ्ट में पुट कर लिया, राइट में पुट कर लिया, अगर तो सेम आ गए डायमेंशन फॉर्मूला फिर तो करेक्ट है, अगर नहीं आए तो इनकरेक्ट है। तो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल
of homogeneity. Principle of homogeneity. Homogeneity का मतलब homogeneous, मतलब कि left और right का dimension formula same है. तो according to principle of homogeneity, अगर left और right का dimension formula same है, इसका मतलब relation correct है, नहीं तो incorrect. बस यही बताना होता है correct है या incorrect है, that's it. तो क्या ये point clear है? बस यही second application है. तो मैं अगला question start करूं, आप check करेंगे application. एप्लीकेशन में टू चेक करें कि सही है कि गलत, करेक्टनेस कैसे चेक करनी है. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस a इनटू t. आपने सुनी इक्वेशन है ये. आप बताएं इसमें एग्जैक्टली कितनी टर्म्स इन्वॉल्वड हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये एक टर्म है. तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? lt माइनस 1. क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है? lt माइनस 1. ये भी क्लियर है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? lt माइनस 2 और टाइम का t. इन्हें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? lt. तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, एक, दो और तीन, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम. इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है. कोई डाउट इसमें? कोई ये ना कहे सर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन एड हो रहे हैं तो इट शुड बी टू एल टी माइनस वन. हाँ, बोल सकते हैं. देखो, अगर मैं इस चीज को डायमेंशन से ना समझाऊं, मैं यूनिट से समझाता हूं. चलो, यूनिट्स आपको जल्दी समझ में आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? बोलो, मीटर पर, मीटर पर सेकेंड. लिखने का मतलब क्या ये है कि इस वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है? नहीं, मुझे क्या पता v कितना है. 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 15 मीटर पर सेकंड हो सकता है. मीटर पर सेकंड तो सिर्फ ये बता रहा है इसके यूनिट्स क्या हैं. तो इस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या हैं? मीटर पर सेकंड. इस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या हैं? मीटर पर सेकंड. ऐसे ही है. अब एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड का. और टाइम के क्या होते हैं? तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया? मीटर पर सेकंड. इसका मतलब यूनिट्स आपको ये बता रहे हैं कि जो भी इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, जो भी इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, वो आपस में ऐड करके जो आंसर देंगे वो यूनिट क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम रहेगा. ओके, और इजी समझाता हूँ, एक और बहुत बेसिक एग्जांपल. आप मुझे ये बताएं 10 न्यूटन में 15 केजी को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 10 न्यूटन में 15 केजी ऐड किया तो आंसर क्या आया? ये तो क्वेश्चन ही गलत है. आप कहोगे या न्यूटन फोर्स है, 15 केजी मास है, ये ऐड ही नहीं हो सकते. राइट, सही बोल रहा हूं. इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये बात ही गलत है. तो वही समझा रहा हूं कि अगर पहली क्वांटिटी मीटर पर सेकंड है, दूसरी भी मीटर पर सेकंड है, तो इनको ऐड किया जा सकता है. इनकी वैल्यू से ऐड, हम ऐड नहीं कर रहे वैल्यूज, पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी है, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड ही होगा. और अगर ये ट्रू है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये सही बात कर रहा है. तो जैसे ये क्वांटिटी न्यूटन है, ये न्यूटन है और ये भी न्यूटन है, हाँ ये बात सही कर रहा है. पर अगर ये न्यूटन है, ये केजी है, नहीं ये बात सही नहीं है. तो यूनिट्स में हमें जल्दी समझ में आता है. हाँ, इसी चीज को डायमेंशनली करना है तो एक ही बात है, मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एलटी माइनस वन, मीटर पर सेकंड, एक ही तो बात है. तो यही चीज मैं समझा रहा हूं, अगर तीन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है. जैसे आप इसे प्लीज ट्राई करें, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो एक बात बताएं, S का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है? L है. S का डायमेंशन फॉर्मूला L है. ओके, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी का क्या है? LT माइनस 1 और टाइम का क्या है? T. तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? L. तो सेकंड क्वांटिटी भी L, थर्ड हाफ, तो कांस्टेंट है यार, इसके कोई यूनिट तो है ही नहीं, तो इसको तो लेना ही नहीं है. एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? LT माइनस 2, टाइम का क्या है? t का स्क्वायर. मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? lt माइनस 2 इनटू t की पावर 2. आंसर क्या आ गया? वापस से l. अब चेक करें, तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है. कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है करेक्टनेस कैसे चेक करनी है इसमें? कोई डाउट?
टूल लिख नहीं सकते, नंबर्स का सर लेना देना नहीं है कोई भी। मीटर पर सेकंड चेक हो रहा है तो वैल्यू क्या है, हम इसमें डील नहीं कर रहे वैल्यू में, क्लियर है? तो मुझे एक आंसर दें, मैंने क्वेश्चन पूछा फोर्स इज ए माइनस एक्स इंटू बी वेयर एफ इज फोर्स, एफ इज फोर्स, एक्स इज लेंथ, ठीक, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है एंड इट इज गिवन दिस रिलेशन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला ए का भी होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्री करते हो? अगर ये करेक्ट है तो तीनों एक बराबर होंगे, एक आंसर पता लग गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, एम एल टी माइनस टू, एक आंसर आ गया। दूसरा, एक्स इंटू बी का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, एक्स इंटू बी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। तो यहां पर एक्स का मतलब क्या है, एल इंटू बी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, तो यहां से बी की वैल्यू बोलो क्या आएगी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल, एल से एल कट गया, आंसर क्या आया, एम टी माइनस टू। समझ में आया कैसे करना है, ये स्टेप क्लियर है? इसका तो एज इट इज आ ही गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। तो हमने मल्टीप्लाई किया एम एल टी माइनस टू, एक्स की जगह एल पुट कर दिया, डिवाइड किया, बी कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आते हैं कॉम्पिटिशन में भी, एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी और आते भी हैं। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसको, क्लियर है? ओके, जैसे इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ है, मुझे पता है, हाँ तो क्लियर है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है एनर्जी, ई फॉर एनर्जी इज ए इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स। ई फॉर एनर्जी, ई का मतलब यहां पे एनर्जी एंड एक्स का मतलब यहां पर लेंथ, राइट? तो एक बात बताओ, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। तो अगर ये करेक्ट है तो इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, और इस क्वांटिटी का भी क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? अगर ये तीन क्वांटिटीज हैं, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, राइट? अब मुझे एक चीज बताएं, यहां से ए इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू इज एम एल टू टी माइनस टू, ये लो, ए इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, लेंथ, और पावर क्या है इसकी, हाफ, एम एल टू टी माइनस टू। ये स्टेप क्लियर है? एक्स का मीट लेंथ होता है, लेंथ की पावर क्या है, हाफ। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एम एल टू टी माइनस टू को किससे डिवाइड किया, एल की पावर हाफ। सॉल्व करो कितना आ रहा है, एल की पावर थ्री बाई टू, टी की पावर माइनस टू इज द आंसर। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, कुछ नहीं करना, इसको इसे डिवाइड कर दो, सॉल्व करो, आंसर क्लियर है यहां तक? जैसे बी इंटू एक्स, इसको भी देख लो एक बार, जैसे सपोज करो बी डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एम एल टू टी माइनस टू। तो बी डिवाइडेड बाय एक्स का मतलब क्या है, लेंथ इज एम एल टू टी माइनस टू। तो बी का मतलब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एल की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है? तो एक बार आप इक्वेशन लिखें, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम लिखें, फिर उसके बाद अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जैसे इसको इसके साथ इक्वेट, इसको इसके साथ इक्वेट, वहां से ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्या करोगे? वो तो ये बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी में से ये जो क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, जैसे ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, न्यूटन में से न्यूटन गया जीरो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, न्यूटन की टर्म में से न्यूटन की टर्म माइनस हो सकती है, हाँ, तो वैल्यू तो दे ही नहीं रहा ना, मैं क्या माइनस करना है,
मैं तो बता रहा हूँ कि सेम एक जैसी वैल्यूज हैं, न्यूटन है तो न्यूटन है, तो न्यूटन में से न्यूटन माइनस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर सपोज करो दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, जैसे ए और बी, मान लो ए और बी दोनों लेंथ हैं, तो ए का मतलब क्या है एल, बी का मतलब क्या है एल, एल की टर्म में से एल की टर्म माइनस हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं लिखना जीरो ना, आंसर एल ही आएगा भाई। न्यूटन की टर्म में से न्यूटन की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर भी न्यूटन में आएगा, लेंथ की टर्म में से लेंथ की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर भी लेंथ में आएगा। आप इनके आगे नंबर्स में मत जाएं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर इसके यूनिट मीटर हैं, इसके यूनिट भी मीटर हैं, वैल्यू कितने मीटर पर तो दे ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूं जो आंसर आएगा उसके यूनिट क्या होंगे, आप आंसर क्या बोलेंगे? मीटर। डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। क्लियर है? जब दो टर्म माइनस हो रही होंगी या प्लस हो रही होंगी तो दोनों की नेचर एग्जैक्टली सेम होगी, तभी वो प्लस या माइनस हो सकती हैं। न्यूटन में केजी तो ऐड नहीं हो सकता, न्यूटन में न्यूटन माइनस होगा या न्यूटन में न्यूटन प्लस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन बी, वेयर एफ का मतलब फोर्स है और एक्स का मतलब लेंथ है। ये लो, ए और बी निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ कितने लोग एग्री करते हैं कि एक्स का मतलब यहां पर लेंथ है, लेंथ है ना, तो कितने लोग मानते हैं ए का मतलब ही लेंथ होगा? यस कि नो? नो यस। तो मतलब न्यूटन में से न्यूटन माइनस नहीं करेंगे। अगर दो टर्म माइनस हो रही है तो फिर बोलो क्या होगा, मास कर दें, मास में से लेंथ माइनस करें, मतलब 10 केजी में से 10 मीटर माइनस करें तो आंसर क्या होगा? नहीं, जगह नहीं है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जब दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उनमें से एक टर्म अगर लेंथ है तो दूसरी को भी लेंथ होना ही पड़ेगा, तभी तो वो सही माना जाएगा। लेंथ में से लेंथ की टर्म माइनस करते हैं, केजी में से केजी की टर्म माइनस करते हैं, आप को जब गिवन है कि ये लेंथ है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कैसे आपने सोचना है कि अगर आपको दो टर्म माइनस करके दे रहा है, उनमें से एक टर्म वो दे रहा है कि मैं तो लेंथ दे रहा हूं, मीटर में दे रहा हूं, तो दूसरी टर्म को भी किसमें देना पड़ेगा? मीटर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो एल क्लियर है। अच्छा आप बताओ, ये एल है, ये एल है, मान लो दो टर्म माइनस कर दी तो आंसर क्या आएगा? आंसर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जीरो होगा? नहीं, तो क्या होगा? लेंथ होगा। लेंथ में से लेंथ, इमोशनल नहीं होना माइनस करके जीरो, ना ना, लेंथ में से लेंथ के टर्म माइनस करके न्यूमिनेटर के डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? एल ही बनेगा। तो एल में से एल माइनस करेंगे तो न्यूमिनेटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? एल ही बनेगा, डिवाइडेड बाय बी। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा? एम एल टी माइनस टू ऐसे आएगा। तो यहां से क्या होगा, एल से एल कैंसल, तो आंसर आएगा एम की पावर माइनस वन टी की पावर टू। आंसर वो आंसर जो भी आएगा सॉल्व करके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? फोर्स का हमें पता है, इन दोनों को माइनस करके तो लेंथ ही आएगा, और यहां से बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ये डिवीजन में नहीं चलेगा कि लेंथ है, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ही बात, ना ना, डिवीजन में नहीं चल सकता। डिवीजन में जैसे एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, भाई न्यूटन को केजी से डिवाइड करते हो, प्रॉब्लम क्या है, करो डिवाइड। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चल सकता है अलग अलग, लेकिन प्लस और माइनस में डायमेंशन फॉर्मूला शुड बी सेम। समझ में आ रहा है यहां तक? अब जैसे सपोज करो, बस ये आखिरी प्रॉब्लम है आपकी, जिसके अंदर पहले मैं एक मिनट होमवर्क बता दूं आपको। जो आपको शीट्स मिली है ना, शीट्स में से सब्जेक्टिव शीट नंबर टू तो हमने कर ली, आपका इसमें तीन चार क्वेश्चन के होमवर्क भी हैं। सब्जेक्टिव शीट नंबर थ्री आपका होमवर्क है, आप ये पूरी शीट ट्राई करेंगे, इसमें आधे क्वेश्चन सिर्फ करेक्टनेस चेक करने के हैं,
लेफ्ट या राइट करेक्ट है या नहीं करेक्ट, बस ये देखना है। और पहले जो 6 क्वेश्चन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर है, ABC निकालने वाले हैं, राइट। ये हर कोई स्टूडेंट करके आएगा क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, इसके सोल्यूशन मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से जो डाउट होंगे वो अगली बार क्लास में डिस्कस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी जो ऑब्जेक्टिव शीट है ना, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 जो है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 देख लो एक बार। इसके अंदर बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्टिव शीट में ये देखो, इसके अंदर ना जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले जो स्टार्टिंग है वो करेक्टनेस के ऊपर है, लेफ्ट और राइट करेक्ट बताना है, करेक्ट है कि नहीं ये आप करेंगे ट्राई, लेफ्ट में पुट करें राइट में पुट करें चेक करें करेक्टनेस। सेकंड भी ऐसा ही है, वन जब करेक्टनेस चेक करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को नहीं लेते, कॉन्स्टेंट के ना तो यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन है, ये भी आप होमवर्क करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन ना करें, थर्ड क्वेश्चन जो है होगा नहीं, मैं आपको करवाऊंगा क्लास में। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4th करें, ये आपके करेक्टनेस चेक करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड 7 हमने एप्लीकेशन नंबर 1 में ABC निकाला, बहुत लंबा तरीका लगा आपको ABC सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव में जब डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन नंबर 1 पे क्वेश्चन आता है, 1 मिनट का काम है, मतलब जो काम 5 मिनट में कर रहे थे ना 30 सेकंड का काम है। कैसे, ये देखो, जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द वेव्स डिपेंड अपॉन वेवलेंथ रेज टू पावर ए। वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वेव की लेंथ, लेंथ का मतलब एल, तो वेवलेंथ रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड एक्सेलरेशन रेज टू पावर सी। अगर मैं सीधे तरीके से चलूं तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पहले ने कंबाइन करो फिर ABC सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव कर रहे हैं, नहीं करना ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में वो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, पहली ऑप्शन लेनी है, यहां वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है LT-1, K तो कांस्टेंट है, G का पुट करना है LT-2, लैम्डा की जगह L, करेक्टनेस चेक कर देनी है। अगर तो करेक्ट आ गया तो बस आंसर है, नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन, लेफ्ट में पुट करें V, राइट में पुट करें डायमेंशन फॉर्मूला, अगर करेक्ट आ गया बस यही आंसर है। क्या मजे की बात है, कोई ए नहीं निकालना, कोई बी निकालना, कोई सी निकालना, करेक्टनेस ही चेक कर देना है, सही है कि गलत है, काम ही खत्म। तभी तो लोग ऑब्जेक्टिव में ज्यादा खुश हैं, सब्जेक्टिव में कौन करेगा ABC, ऑब्जेक्टिव में तो बस चेक कर दो जिसका ऑप्शन करेक्ट है, डन, आंसर जो मर्जी हो ठीक है। तो पॉइंट समझ में आया आपने कैसे सोचना है, इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है, ABC नहीं निकालना ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में ही चेक कर देना है, कोई डाउट इसमें। मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वेलोसिटी का मतलब क्या है, LT-1, कांस्टेंट का तो कुछ है ही नहीं, जी का मतलब क्या है LT-2, लैम्डा का मतलब क्या है एल का अंडर रूट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, L2T-2, ऐसे आएगा ना, रेज़ टू पावर हाफ, अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा LT-1, लेफ्ट की तरफ भी क्या है LT-1, लो डन, यही आंसर है, बाकियों में करेक्ट आएगा ही नहीं, बात ही खत्म। ABC पूछ लिया फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार दोस्त, फिर तो करना ही पड़ेगा, नहीं पूछता जाता तो ABC करेक्टनेस ही हो जाता है चेक। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आप होमवर्क लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 8 तक करके आएंगे एज अ होमवर्क, 8 करेक्टनेस ही चेक करनी है सब में, नहीं होगा कोई टेंशन नहीं, क्लास में सारे क्वेश्चन की डिस्कशन तो होनी है अगली बार, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आएँ तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, इतनी सी बात है सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक,